अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरा नाम तनवीर हुसैन है। आप सब लोगों को मेरे ऑफिशियल चैनल पे एक दफ़ा फिर से वेलकम। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सिविल के कोर्सेज के बारे में जो है वो वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्वेयर डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्वेयर कोर्स क्या होता है, कितने अरसे का ये कोर्स होता है, किन किन बच्चों को इसमें दाखिला लेना चाहिए, और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होता है, आपको जॉब्स कहाँ कहाँ पे मिल सकती हैं, क्या सैलरी पैकेजेस हैं, और क्या पाकिस्तान में भी इसके साथ सर्वाइव करना इजी है या मुश्किल है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि सिविल कोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं फ़क्तन फ़वक्तन हमारे चैनल के थ्रू अपलोड होती रहती हैं, आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। इस मकसद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सिविल सर्वेइंग या लैंड सर्वेइंग स्टूडेंट, ये हमारे पास कोर्स होता है 3 से 4 माह का। 3 से 4 माह के कम तरीन टाइम में हम आपको सिखाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको ऑटो लेवल, GPS और उसके अलावा टोटल स्टेशन के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये चीज़ें हम इसमें कवर कराते हैं। 3 से 4 माह का कोर्स होता है, जिसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपको अदारे की तरफ से 1 साल का आज़ादिया सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक होती है। अगर आपकी तलीम मैट्रिक है, अगर आप मैट्रिक पास हैं, साइंस के साथ किया या आर्ट्स के साथ किया, इट्स डजंट मैटर, आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो मैट्रिक तलीम चाहिए, एज की कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद जो है वो कौन कौन सी चीज़ें कवर कराते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, और 3 से 4 माह का ये कोर्स होता है। तो ये थी सिविल सर्वेयर कोर्स के बारे में मालूमात। जब भी स्टूडेंट्स आपको कोर्स करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई स्किल आती है कि आप ये कोई हुनर सीख लें, तो सबसे पहले आप लोगों को सर्च भी करना चाहिए, और आप लोग करते भी हैं कि जिसमें इस कोर्स के बारे में इसका क्या क्राइटेरिया है, कितनी इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटीज़ क्या क्या हैं जॉब्स की, तो ये सारी चीज़ें आप सर्च करते हैं। तो इसी मकसद के लिए हमारे चैनल के थ्रू मुख्तलिफ वेबसाइट जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड होती रहती हैं। तो सिविल सर्वेयर अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं, तो जॉब्स के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में भी बेशुमार प्रोजेक्ट जो हैं वो कंटिन्यू हैं। आप जहाँ से भी गुजरें, जहाँ भी जाएँ, जिस भी एरिया में हैं, कंस्ट्रक्शन के बेशुमार काम चल रहे हैं। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मौजूद हैं, काम हो रहा है, या कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है निसार है वो सिविल सर्वेयर के ऊपर भी होता है। सिविल सर्वेयर एक प्रोजेक्ट की जान होता है, एक प्रोजेक्ट का 30-40% जो है वो सिविल सर्वेयर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जहाँ भी आप जाएँ, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर जाएँ, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हैं। तो अगर आप सिविल सर्वेयर कोर्स करना चाहते हैं तो शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हमारे दाखिले अभी इसमें जारी हैं, आप अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और इसके दाखिले के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटिटी सर्वेयर कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।